नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक आयो प्रोग्रामर के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आयो प्रोग्रामर है, बर्त्यानोव का आयो प्रोग्रामर है, सक्सेसर बेस 3। क्लियर इमेज आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, देखिए किस टाइप का है ये है आपका आयो प्रोग्रामर, ये इसका बेस हो जाता है। और ये देखिए, ये कंप्लीट प्रोग्रामर है ना, इसके ऊपर ये बेस लगा हुआ है। इसमें क्या है कि आप अगर देखोगे तो ये एक सॉकेट भी दे रखा है कि अगर आपको नॉर्मल कोई SPI BIOS प्रोग्राम करना है तो वो भी आप इस पर कर सकते हैं। प्लस JTAG मेथड का यूज करना है आपको ThinkPad के पासवर्ड अनलॉकिंग के लिए, तो उसका भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। प्लस ये जो देख रहे हैं, 3 कीबोर्ड के कनेक्शन दे रखे हैं, है ना, ये जो सॉकेट्स है ये आपका है मेन IO प्रोग्राम करने के लिए, है ना। तो मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इससे आयो प्रोग्राम करेंगे। बहुत ही सिंपल है ना। और इसके साथ एक केबल्स आती है, ये केबल्स कितनी केबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 9 केबल्स आती है। मेरी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, ये सब केबल्स हैं इसके साथ आती है। मतलब इसके साथ आता क्या है, केवल एक प्रोग्रामर होता है और ये केबल्स का सेट होता है और कुछ नहीं होता। और इसका जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं, ये इंटरफेस आपका टाइप सी का इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है आपका टाइप सी का इंटरफेस है ना। तो इस मामले में बढ़िया है कि टाइप सी इंटरफेस दे रखा है इन्होंने, है ना, बिल्कुल अपग्रेडेड है ये। तो मैं इसके थ्रू आपको एक बायस मतलब आयो प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, रीड राइट किस तरह से करेंगे। तो फिलहाल मैं नोवोटोन का ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना सिंपल है ये। तो मैं इसके लिए लेता हूँ सबसे पहले, जब फर्स्ट टाइम आपके पास आता है तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसका ड्राइवर पहले इंस्टॉल कर लेना है। ड्राइवर फाइल आपको यहाँ मिल जाती है, ये ड्राइवर है ना, तो ये आपका अगर विंडोज 64 बिट का है तो आप ये ड्राइवर x64 इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपका 32 बिट का है तो x86 वाला आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद सीधा सीधा आप ये देखिए सक्सेसर .exe का ये फाइल है, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया है ना। ये देख रहे हैं बीच कनेक्ट प्रोग्रामर, तो मैं प्रोग्रामर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये प्रोग्रामर मेरा कनेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पर कनेक्शन आ गया है ना। मतलब इसको ओपन करने के बाद आप कनेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो गया। और अब मैं आपको प्रोग्राम करके जैसे कि दिखा देता हूँ। इस पे मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अलग अलग पिच के साइज दे रखे हैं यहाँ पर, ये 0.5 mm का पिच है, ये 0.8 mm का है, ये 1 mm का है, ये यहाँ पर दे रखा है। तो मैंने एक प्रोग्राम करके आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक बोर्ड है, मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ कैसे आप प्रोग्राम करेंगे। तो फिलहाल जो ये बोर्ड है इसमें आयो जो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप आयो देखिए, इस पर ये नोवोटोन का आयो है, NPC आयो है, नोवोटोन का आयो है। कैसे प्रोग्राम करेंगे देखिए आप, सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर लिया इस पर, और प्रोग्रामर के साथ इस वाले को कनेक्ट कर देना इस तरह। ध्यान रखिएगा एक नंबर के साथ हो, जैसे हम इनिट में करते हैं। तो देखिए एक कनेक्शन मैंने कर दिया, और कोई कनेक्शन नहीं करना है आपको, आपने बस इतना सा कनेक्शन करना है। देखिए एक एंड आपका प्रोग्रामर पे लग गया और दूसरा एंड आपने कहाँ कर दिया, मदरबोर्ड पे कर दिया। मदरबोर्ड को मैं पावर दे देता हूँ, है ना, ये मैं मदरबोर्ड को पावर दे दे रहा हूँ अभी, है ना। और अब इसमें देखते हैं हम किस तरह करेंगे। तो हमें करना क्या है, आयो जो है इसमें नोवोटोन का आयो है और ये बोर्ड है LA B092P, है ना। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको लेना है सबसे पहले सेलेक्ट मोड। सेलेक्ट मोड में आप क्या लेंगे, अगर आपको आयो प्रोग्राम करना है तो ITENE नोवोटोन ये ऑप्शन लेना है। अगर आप नॉर्मल बायस प्रोग्राम करना चाहते हो तो SPI फ्लैश ले सकते हैं। अगर आप मान के चलिए इसमें मैक का कोई JTAG मेथड से पासवर्ड वगैरह अनलॉक करना है या रीड राइट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो। इसमें सारा ऑप्शन दे रखा है कि किस पॉइंट पे आपको क्या लगाना है। तो फिलहाल हमारा क्या है, ये
हमारा है ITENE Novoton, हमने इसको ले लिया। फिर हमें देखना है कि इसमें हमारा है क्या डायरेक्ट कनेक्ट टू मदरबोर्ड, हमने क्या किया इसको डायरेक्ट मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर रखा है, तो डायरेक्ट कनेक्ट टू मदरबोर्ड। और फिर यहाँ पर हम Novoton ले लेंगे, Novoton मैंने ले लिया। और यहाँ पर आके आपको प्लीज सेलेक्ट मदरबोर्ड, यहाँ से मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जैसे कि LA B092P है, ये रहा LA B092P, ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा का सारा कनेक्शन ले लिया, ये इसकी सेटिंग्स फाइल में दे रखा है। और यहाँ पर क्या करना आपने, अप्लाई सेटिंग्स करना है, अप्लाई सेटिंग्स आपने कर दिया। उसके बाद आपने FFC कौन सा यूज किया, मतलब ये जो केबल है ये कौन सा यूज किया है, कितने पिन का, तो हमने 26 पिन का किया था, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मिल गई थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको मिल गया था पिन काउंट 26, पिन स्टेप कितने पिच का, कितने mm का पीछे, तो 1 mm का फर्स्ट पिन आपका लेफ्ट में आता है, और पिन पोजिशन क्या होती है डाउन होती है। आप इस तरह समझ सकते हो, यहाँ पर जैसे कि आप देखें यहाँ पर ये डाउन की तरफ है और लेफ्ट की तरफ मेरा पिन नंबर 1 है। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको अप्लाई सेटिंग्स कर देना है। और यहाँ पर आप ले लेंगे 26 पिन कनेक्शन, FFC केबल टाइप, यहाँ पर ए मैंने चूज किया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डिटेक्ट हो गया है ना, ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब सिंपली क्या करना है, गेट ECID, इस पर क्लिक करना है। फिर से एक बार क्या हुआ, एक सेकंड, शायद कनेक्शन में है, मैं दोबारा इसको, ये 1 नंबर की तरफ रहेगा और ये कनेक्शंस भी मेरा 1 नंबर की तरफ है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑन कर दिया, अप्लाई सेटिंग्स, 26 पिंस, ए टाइप, क्लोज, गेट। गेट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया मैसेज, Novoton लोडर रेडी, मतलब आपका रीड और राइट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। बस सिंपल था, कनेक्शंस आपको सही से करना है ना, कनेक्शन अगर आपका सही हो जाता है बस रीड करना है, यहाँ पे सिंपली रीड पे क्लिक करिए, ये आपका रीड हो गया। रीड होने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना, आप कहीं पर भी सेव कर लो, जहाँ भी आप चाहते हो सेव करना है ना, ये आपने यहाँ पर जो भी आपको जिस नाम से भी चाहिए आप सेव कर लीजिए। जैसे मैंने Novoton न्यू के नाम से सेव कर लेता हूँ है ना, ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो सिंपल है, ये आपका रीड हो गया। अब आपने राइट करना है तो सिंपल है, आपका राइट पे क्लिक करेंगे, राइट पे क्लिक करने के लिए पूछेगा आर यू श्योर, यस, तो यहाँ पर देखिए वही आपका राइट पे होने लगता है ना। तो सिंपली आपको करना क्या, जब भी आप राइट करोगे तो यहाँ पर लोड फाइल कर लीजिएगा, अभी तो बाई डिफॉल्ट जो था वही ले लिया, आप लोड फाइल इस तरह करके ले लोगे, जहाँ भी आपकी फाइल है जो भी आपको राइट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर जो सेव करके रखा था उसी को ले लेता हूँ, Novoton के नाम से था, Novoton, ये Novoton न्यू था, तो मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ, ये दूसरी फाइल मैंने बना रखी है, इसको मैंने ले लिया ओपन, ओपन करके सिंपली यहाँ पर राइट कर देंगे आर यू श्योर, यस कर देंगे, ये बहुत क्विक टाइम पे आपको यहाँ पर देखिए राइट करके दे दिया, हमारा प्रोसेस हो गया। तो सिंपल है, Novoton का IO को प्रोग्राम करना बहुत ही सिंपल है, मतलब कोई भी IO प्रोग्राम करना सिंपल है इसमें। हाँ, कॉस्टली आता है, अगर फ्रेशर्स चाहेंगे कि मैं ये प्रोग्रामर परचेज करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पैसे उनको खर्च करने पड़ेंगे है ना, इसके जो कॉस्टिंग है, आप रेगुलर मार्केट में अगर आप देखोगे तो रिटेल में ये 25-26 हज़ार के आसपास का मिल रहा है ना। बाद बाकी प्राइसिंग का मैंने पहले बता दिया, प्राइसिंग सबकी एक जैसी नहीं होती है, किसने कैसा इंपोर्ट किया है, कैसा कस्टम ड्यूटी दिया है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं प्राइस को लेकर के है ना। तो 25-26 हज़ार का एक अप्रॉक्स चलता है ये मार्केट में, 25-26-27-28 है ना, मतलब मिल जाने के ऊपर है, मिल जाए तो ले लो, ना तो ना मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ही होती है, जब भी आपको मिलता है तो ले लो, क्योंकि इसका जो इंपोर्ट है वो हमेशा नहीं होता, हमेशा आपको मार्केट में नहीं मिलता, जब भी आपको मिले तो आपको ले लेना चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए कि ये महंगा है, अगर लेना है तो आप ले सकते हो। हाँ, कॉस्टली है, आप अगर चाहते हो कि नहीं ये कॉस्टली है किसी फ्रेशर्स को, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतने पैसे लगाओ अपने सेटअप पे। हाँ, आपने पैसा बहुत कमा लिया है तो लगा सकते हो, लेकिन जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इनिट SIO प्रोग्रामर से लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा मैनुअल काम उसमें है ना, पिंस वगैरह वो जंपर वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनुअल काम है उस पर है ना। और यहाँ पर क्या है, कोई भी मैनुअल वर्क नहीं है, सीधा सीधा ऑटोमेटिक है, आपने कनेक्ट किया काम शुरू, कनेक्ट करोगे काम शुरू, चाहे ITO हो चाहे Novoton हो है ना, कनेक्ट करके आपका काम शुरू हो जाता है
है ना, तो उस मामले में मैंने देखा काफ़ी फास्ट भी है, बढ़िया है ना, तो जिसे लेना होगा वो आप ले सकते हैं इसे। तो आज के वीडियो में मेरे को यही दिखाना था कि निवोटॉन का जो ये आयो है, कैसे मैंने इसको रीड किया और राइट किया, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।